नाजिन, मैं हूं अयाज मोरस और आप देख रहे हैं हम सुखन टीवी। कराची स्टूडियो से आपको खुश आमदीद कहते हैं और इस प्रोग्राम में हम आपको मुख्तलिफ पाकिस्तान के जो मसीह हैं उनके सियासी समाजी हालात पर गुफ्तगू करते हैं और मुख्तलिफ शख्सियात के साथ इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। आज हमारे साथ जो एक शख्सियत है वो अपनी ज़ात में अंजुमन है और किसी तारुफ के मुहताज नहीं। आज हमारे साथ जनाब आज़म मेराज मौजूद हैं, तहरीक शनाख के बानी रज़ाकार हैं। आज हम उनके साथ एक बड़े अहम सियासी मसले पर गुफ्तगू करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान के मसीह अगर समाज में, इस माशरे में, सियासत में तरक्की करना चाहते हैं तो किस उनके साथ जो है वो इस मौजू पर गुफ्तगू होगी। उनका एक मरूफ किताबचा इन दिनों बहुत ज़्यादा जो बड़ा रिसर्च बेस है, क्वान्टिटी में बहुत मुख्तसर लेकिन बड़ी ही गहराई के साथ, बड़े ही उमदगी के साथ उन्होंने इस अहम मसले को एड्रेस किया है, गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों के सियासी अलमिये का मुकदमा जिसमें उन्होंने गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों पर थोपे गए इंतहाबी निज़ामों के माजी हाल के जायजे से अखजशुदा लाहे अमल पर बात की है। तो आज हम जनाब आज़म मेराज को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए और आज हमारे साथ यहाँ मौजूद होने के लिए। शुक्रिया याज आपका और आपको मुबारकबाद इमैनुअल ज़फ़र साहब को, क्योंकि इमैनुअल ज़फ़र साहब जो थोड़ी बहुत मैंने पाकिस्तानी मसीहों की सियासी तारीख देखी है कि कोई तकरीबन 40-43 के लोग करीब लोग जो है ना 75 साल में कोई दो दफ़ा कोई तीन दफ़ा नेशनल असम्बली के मेम्बर रहे हैं और उनमें से इमैनुअल ज़फ़र साहब ही वाहिद ऐसी एक शख्सियत नज़र आते हैं जिन्होंने अपने टेन्योर के बाद, अपने टेन्योर से पहले भी उनका, बल्कि मुझे मेरे लिए एक एजाज़ है कि प्रोफेसर सलामत अख्तर साहब भी बड़ी शफकत से पेश आते हैं और इमैनुअल ज़फ़र साहब भी, तो वो मुझे बता रहे थे कि हमें एक नौजवानों का ग्रुप था जब हम 20s में थे, तो उस वक्त हमने कुछ दोस्त थे जिनमें से इन दो को ही मैं जानता हूँ, तो हमने एक समाजी अपने लोगों की आगाही के लिए एक सिलसिला शुरू किया था और ये अब तक प्रोफेसर साहब तो आजकल ज़रा अलील हैं लेकिन ये अब तक मेरे ख्याल है अबव 80 हैं और ये अब तक जारी सारी है। तो इन्होंने अपनी नेशनल असम्बली की जो हैसियत के बाद से भी मसलसल एक आगाही का सिलसिला शुरू किया हुआ है, वो बरतानिया बैठ कर भी, हम सुखन मैगजीन और ये जो आप आज का जो आपका मौजू है, 2013 में ये मेरा एक आर्टिकल जंग अखबार ने पूरे एक पेज पे छापा था और ज़फ़र साहब उससे पहले भी शफ़क़त से पेश आते हैं लेकिन उन्होंने स्पेशली फ़ोन किया और बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा जी मैं इसको रिप्रोड्यूस करना चाहता हूँ ताकि हमारे लोग अगर फ़र्ज़ करें कोई नेशनल अखबार नहीं भी पढ़ते तो जो इसके हम सुखन के कारी हैं उन तक भी ये आपका जो फ़लसफ़ा है ये पहुँचे। बिल्कुल सही। तो बहुत मुबारकबाद कि हम सुखन भी अब डिजिटलाइज फॉर्म में आ गया, बिल्कुल, इसके लिए आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद। सही, जैसे मैंने इंट्रो में बताया कि आप जो है पाकिस्तान के जो मसीही हैं, जो पाकिस्तान के गैर मुस्लिम हैं उनके सियासी अलमिया जो है उनका सियासी मुकदमा पेश करने के लिए आप अपने बाकायदा तौर पे एक तहरीक जो इन दिनों बड़ी मुनज़्ज़म है, इसके हवाले से ये तो पहले बताइए कि इसका पस मंज़र क्या है और इसमें किन मसाइल को एड्रेस किया गया है। देखिए, बुनियादी तौर पे जैसे कि तहरीक शनाख्त का पिछले कई सालों से मेन फोकस इसी बात पे है कि जो दस्तयाब अदाद व शुमार हैं, जो हमारे पास फैक्ट्स फिगर्स हैं, उन्हीं की बुनियाद पर हम पाकिस्तानी मुआशरे में जो मसीही समाज है उसके जो लोग हैं तकरीबन 33 लाख सरकारी अदाद व शुमार के मुताबिक, उनके लिए हम एक्सप्लोर करते हैं कि भाई आपको इस मुआशरे में ये मसाइल दरपेश हैं, ये आपके लिए मौके हैं, ये आपकी तवानाई हैं और ये आपकी कमज़ोरियाँ हैं। बदकिस्मती से 75 साल में हमारी सिर्फ कमज़ोरियों पर बात हुई, हमें दरपेश मसाइल पर बात हुई, उसमें कोई शक नहीं, जिन पे भी बात हुई कभी कम हुई कभी ज़्यादा हुई, कभी उसका नस्बत तनासब बहुत ज़्यादा था लेकिन कभी दस्तयाब मौक़ों पे और तवानाइयों पे बात नहीं हुई। सही। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी समाज में आपको सिर्फ मसाइल ही दरपेश हों, कोई मौके ना हो और सिर्फ आपकी किसी भी फ़र्द की किसी भी माशरे के मारूजी हालात में उसको इज्तमाही तौर पर सिर्फ उसके पास कमज़ोरियाँ ही हों, तवानाइयाँ बिल्कुल ना हों। तो इसमें भी हमने यही किया है
कि मैंने पिछले 6-7 साल से कि 75 साल में मुख्तलिफ अदवार में गैर मुस्लिम पाकिस्तानी, कुछ लोग तो हमारे लोग इतने लकीर के फ़कीर हैं वो इस बात पे फड़ा डाल लेते हैं जी गैर मुस्लिम पाकिस्तानी, चलें हम मजहबी अकलियतें कह लेते हैं, सही ठीक है, जो भी लफ्ज़ जिसको पसंद आता है वो लिख ले इस जगह पे, सही पब्लिक हम ऐसा कर लिया करेंगे अगर ये कोई ऐसा ही। अब हमने अगर कुछ 7-8 किस्म की कम्युनिटीज़ को जो कि पाकिस्तानी हैं बिल्कुल, उनको कहना तो गैर मुस्लिम पाकिस्तानी कह लिया या रिलीजियस माइनॉरिटी कह लिया, तो उसमें क्या कुछ जुर्म हो गया? सही चलें, खैर जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं इस मुल्क की उन पर 75 साल में कौन कौन से इंतखाबी निज़ाम थोपे गए? सही, तो ये है कि 1946 में जो इंतखाबात हुए थे जो कि बाद में वो मेरा ख्याल है कि 46 वाली जो असम्बली थी सही वो 54 तक चली, सही ठीक है, तो 46 से लेके 69 तक जो 4 दफ़ा असम्बलियाँ मार्ज़े वजूद में आईं उनमें पहली 2 दफ़ा जो थी वो सिलेक्शन से हुई, तो उसमें इन दोनों में एक में 14 और एक में 11 मेंबरान थे, बिल्कुल सही, और 25 में से सिर्फ 4 जो थे, दो पहली असम्बली में कोई नेशनल असम्बली में कोई मसीही नहीं था, नहीं सही, वो सारे हिंदू थे, और उनमें से भी सिर्फ 2 हिंदू थे जो मगरबी पाकिस्तान से थे, बाकी 14 में से 12 मशरकी पाकिस्तान में से थे, और अगली असम्बली में एक मसीही और एक हिंदू मगरबी पाकिस्तान से था और बाकी सारे वहाँ से थे। फिर ये सिलेक्शन से, ये दोनों असम्बलियों में सिलेक्शन से लोग थे, सही। उसके बाद जो अगली 2 दफ़ा असम्बलियाँ बनी 69 तक की, उसमें इलेक्शन हुए तो एक भी गैर मुस्लिम पाकिस्तानी, ना कोई सिख ना कोई मसीही ना कोई हिंदू पाकिस्तानी, कोई इलेक्शन नहीं जीत सका, तो वो बग़ैर गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों कई कौमी असम्बलियाँ बनी थी, यानी एक दफ़ा सिलेक्शन हो गई, एक दफ़ा इलेक्शन हो गया पहले 25 साल में। 1970 में पहली दफ़ा एक फ़र्द एक वोट की बुनियाद पर इंतहाब हुआ, उससे पहले तो अशराफिया मुख्तलिफ कैटेगरी से कभी किसी टाइप की अशराफिया वोट कर सकती थी कभी किसी टाइप की, सही। इसमें पाकिस्तानी मसीहियों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, अमानुल ज़फ़र साहब की जो जमात थी, प्रोफेसर सलामत अख्तर भी थे उसमें और भी बड़े नाम थे जो हमारे माजी के, तो कोई 35 सीटों पर इलेक्शन लड़ा डायरेक्ट इलेक्शन और एक भी मसीही जीत नहीं सका बल्कि जमानतें जब्त हो गईं, सही। उसके बाद 70 के इलेक्शन हो गए, फिर क्योंकि वो एक पूरा एक प्रोसेस था, वो तारीख है, भुट्टो साहब कुछ अरसा सदर रहे, इसी दौरान नेशनलाइजेशन की जो पॉलिसी आई कौमी सतह पे उसमें सबसे ज़्यादा जो थे मसीहियों ने सफ़र किया इज्तमाई सतह पे। अब वो जो नेशनलाइजेशन की पॉलिसी थी उसमें सबसे ज़्यादा इज्तमाई तौर पे किसी कम्युनिटी ने अगर सफ़र किया तो वो पाकिस्तान के मसीही थे, क्योंकि मसीहियों के पास ये अदारे एक बहुत बड़ा एसेट थे जो उनको तालीम भी मुहैया करते थे, उनके लिए रोज़गार का भी एक बंदोबस्त था, वसीला था, हॉस्पिटल थे उसमें, स्कूल्स थे और इस तरह की चीज़ें, वो नेशनलाइज हो गए। अब एक तो पाकिस्तानी मसीहियों को वो गुस्सा था कि उनका कोई बंदा नहीं जीत सका, और एक ये वाली बहुत बड़ा, तो उस पर फिर ये जो पूरी टीम थी ये प्रोफेसर सलामत अख्तर की और अमानुल ज़फ़र साहब और इस तरह के उस वक्त के जो लोग थे जो लीड कर रहे थे कम्युनिटी को, इन्होंने बेतहाशा लोग थे, इन्होंने इस पर एहतजाज शुरू कर दिया, और 1972 में एक जुलूस पर हुकूमत वक्त ने गोली चलवाई और उसमें आरएम जेम्स और नवाज मसीह शहीद हो गए, जिनके नाम पे ये किताबचा इंतसाब है रोपलो कोली और उनके नाम पे। अब उसमें फिर जदोजहद जारी रही, अदारे तो वापस नहीं हुए, लेकिन इन शहीदों के सदके फिर भुट्टो साहब को आयन में 4थी तरमीम करनी पड़ी 1975 में, और 6 सीटें मखसूस की गई। तो इसको आप ये समझ लें कि वो जो 4थी तरमीम थी उसके ज़रिए आपको दोहरी रिप्रेजेंटेशन दी गई, सही, यानी आप जो तकरीबन उस वक्त 800 होंगे, आज 1849 हल्के हैं, तो उस वक्त 800 के करीब होंगे कौमी और सूबाई असम्बलियों के, उस वोट को नहीं छेड़ा गया,
लेकिन आपको वहाँ रिप्रेजेंटेशन, अब जीत तो आप नहीं सकते, सही। तो उन्होंने कहा ठीक है हम फिर आपके बंदे। अब वो उसमें जाहिर है इस्तकाक तो वो उसी के पास होता है, सही। जिस जमात के पास पावर हो। तो उन्होंने चार मसीही, एक हिंदू और एक पारसी को MNA बना लिया। 6 सीटें मखसूस कर दी गई। चौथी आइनी तरमीम के ज़रिए दोहरी नुमाइंदगी आपको हासिल होगी। 77 में भी यही फार्मूला अपनाया गया, लेकिन 77 के इलेक्शन को अपोजिशन ने माना नहीं और वो तो फिर बेल मंडे नहीं चढ़ी और अपना मार्शला लग गया। मार्शला लग गया तो ज़िया साहब ने पहले तो स्टेट मार्शला चलता रहा, उसके बाद 85 में उन्होंने पहली दफ़ा इसको ज़रा जमहूरी कंट्रोल्ड किस्म की जमहूरियत का नाम दिया और पहली दफ़ा इलेक्शन अनाउंस हुए। और उन्होंने वो पीछे वाले जो थे एक सिलेक्शन फिर इलेक्शन और फिर दोरी वाली को उसको रिव्यू करके, तो उन्होंने जुदागाना एक इलेक्टोरल सिस्टम जो था वो वज़ा किया, जो पाकिस्तान की जो रिलीजियस मिनॉरिटीज़ थी इनके लिए। अब दुनिया में देखें कोई भी निज़ाम कोई भी सिस्टम उसमें खूबियाँ खामियाँ होती हैं। अब आपको उसका पूरा रिव्यू करना होता है कि मारूजी हालात के मुताबिक ज़्यादा क्या है। उसमें एक चीज़ हुई, चार पाँच दफ़ा उसमें इलेक्शन हुए, उस वक्त हम भी वोटर बन चुके थे और सालिक साहब को ये क्रेडिट जाता है कि वो एक तवाना आवाज़ थी जो कहती थी कि ये जुदागाना इलेक्शन आपको कौमी दायरे से काट दिया गया। उसमें ये था कि जो मसीहों की हिंदुओं की सीटें उसमें 10 कर दी गई नेशनल असम्बली की और इसी तरह से कौमी सूबाई असम्बलियों में। उसमें एक चीज़ हुई कि जो रिलीजियस मिनॉरिटीज़ थी जो गैर मुस्लिम पाकिस्तानी थे उनकी लीडरशिप अमर्ज हुई, क्योंकि जब कोई बंदा इलेक्शन लड़ता है इलेक्शन लड़ेगा तो उसका नीचे उसको पूरा ग्रास रूट लेवल तक अपने बंदे अपने वर्कर डेवलप करना पड़ता है, अपने ऑफिस बेरर बनाने पड़ते हैं, तो उससे लीडरशिप अमर्ज होती है। लेकिन उसका जो ये एक अच्छा पहलू था, लेकिन उसका जो बहुत बुरा पहलू था वो ये था कि पाकिस्तानी मसीही खासकर हिंदू तो ज़्यादा इंटीरियर सिंध में आबाद हैं, कोई 2 लाख के करीब हैं जो पंजाब में और थोड़े बहुत खैबर पख्तूनख्वा में और बलोचिस्तान में हैं, लेकिन पाकिस्तानी मसीही पंजाब बहुत बड़ा 62% ऑफ द पाकिस्तान पंजाब के में ज़्यादा हैं, लेकिन पाकिस्तान के हर जगह ही थोड़े बहुत हैं, जैसे सिंध में भी 4-5 लाख मसीही बसते हैं। तो उसकी वो जो दस्तयाब जो अदाद शुमार हैं उसके मुताबिक जो कहा जाता है जी कि हमारे हलके बहुत बड़े बना दिए गए। अब वो अगर हम उसको देखें कि कौमी सतह पर हमारा एक MNA कितने वोटों से बनता है, तो मेरा ख्याल उस हिसाब से वो यही पॉसिबल था। सही। अनलेस कि आपको जो सियासी अशराफिया है सही और जो रियासती अशराफिया है वो आपको बहुत ज़्यादा रियायतें दे, तो फिर मुमकिन है कि आपके बहुत सारे हलके हों। अदरवाइज़ जो अदाद शुमार हैं जो आपकी गिनती है, क्योंकि वोट तो फिर गिनती पे ही होता है ना। बिल्कुल। अब अगर सिंध में टोटल इस वक्त मसीही 5 लाख आबाद हैं और अगर वोट टू आबादी 50-50 है तो हम समझें कि 2.5 लाख वोट होंगे। अब वैसे हमारा एक MNA 4.5-5 लाख से बनता है नेशनल असम्बली का, अगर हम टोटल वोट को टोटल नेशनल असम्बली की सीटों पर तकसीम करें, तो अब 2.5 लाख पे सिंध में तो एक MNA नहीं बनता। लेकिन अब ये हमारे लोगों की अहलियत है कि वो रियासती अशराफिया हकूमती अशराफिया को अपना मुकदमा अरक्रेजी से पेश करें और रियायत मांगें। सही। तो वो जो एक बात होती है, एक सरसरी सुनी सुनाई बात है जी जुदागाना में वो हमारे हल्के, तो वो हल्के आबादी के अतबार से वही थे। लेकिन उस निज़ाम में जुदागाना में जो सबसे खौफनाक उसका जो पहलू था कि मेरे पड़ोस का बंदा अगर नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़ रहा है या सूबाई का, तो वो मुझसे नहीं पूछ रहा, मुझसे वोट नहीं मांग रहा। अब अंदाज़ा करें कि ये आखिरी इस पर इलेक्शन हुआ था 97 में, तो अगर हम 97 कहें तो हम इस बात कर रहे हैं 2021 में बैठे हुए, तो कोई 23-24 साल, जो उस वक्त बच्चा पैदा हुआ वो आज 24-25 साल का है, उसने वो दुख देखा नहीं है कि आपका पड़ोसी आपका मोहल्लेदार आपसे वोट नहीं मांग रहा और आपको एक सियासी अछूत बना के रख दिया गया है। जहाँ उसमें लीडरशिप अमर्ज हुई थी मजहबी शनाख्त पे, वहाँ आपको सियासी अछूत भी बनाया गया था। अब ये आपने तोलना है कि आपको मजहबी लीडरशिप चाहिए
एट व्हाट कॉस्ट, कॉस्ट ये थी कि आप सियासी अछूत बन गया। ये 5 साल चला, लोग इस पर करते रहे, तनकीद करते रहे, थोड़ी बहुत जदोजहद भी होती रही। और जब मुशर्रफ साहब का मार्शला लगा 99 में, तो 2002 में वही रिस्टोरेशन हुई जो भुट्टो साहब ने आइन की 4th अमेंडमेंट में निज़ाम वज़ा किया था, वही कि हम आपको डायरेक्ट कौमी और सूबाई असम्बली में वोट डालने का हक दे रहे हैं। लेकिन उसमें अब ये ज़ाहिर है 85 से 97 यानी 2002 में ये रिस्टोर हुआ, तो कोई 20-25 साल बाद ये रिस्टोरेशन हुई आपकी नेशनल आइडेंटिटी की। लेकिन अब इसमें क्या खामी है? इसमें ये खामी है कि जो 38 लोग हैं इस वक्त, सही, 24 कौमी सूबाई असम्बली और 4 सेनेटर, अब लोगों को ये है कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव है इसमें, ये तो आपका नेशनल वोट तो हो गया, रिस्टोरेशन हो गई उसकी आपकी, वही 4th अमेंडमेंट वाली। लेकिन इसमें अब जो मसला खड़ा हुआ अब ये कि इन 38 लोगों को 5 या 6 जो असम्बली में नस्बत तनासब के हिसाब से जो वहाँ बुला लेते हैं, इस पर अब सारा फड्डा है कि जो भी 38 तो बैठे हुए हैं, लेकिन कम से कम 3800 बार बैठे हुए जो ये समझते हैं कि मैं इनसे अहल हूँ, सही, वो उनको सिलेक्टेड सिलेक्टेड कहते रहते हैं। और सिलेक्टेड इस वक्त आपको पता है एक गाली से कम नहीं है। अब इस पूरे रिव्यू को करें कि आपकी सिलेक्शन भी ना हो, आपकी ऐवानों में बंदे भी मुंतखब हों और आपका नेशनल वोट भी ना जाए, तो हमने इस किताबचे में इस रिव्यू से दोहरे वोट की डिमांड की है। और दोहरे वोट की इसी आगाही मुहिम में आपको पता है कि तहरीके शनाख्त के रज़ाकार इस वक्त पूरे पाकिस्तान भर में जुटे हुए हैं, इसका सिंधी तर्जमा करवाया है, इसके फिर खुलासे बने हैं, उन पर वीडियोज़ बनी हैं। और हम यानी डायरेक्टली कोई जैसे तहरीके शनाख्त का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, हर बंदा अपनी स्वाब दी, अपनी इस्तेदाद, अपनी तालीमी, अपनी मुआशी इस्तेदाद के मुताबिक अगर उसको इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती हैं तो वो उसको फैलाने में हिस्सा लेता है, कोई किताब बांट दे, कोई वीडियो पैगाम दे दे, कोई इन चीज़ों को शेयर कर दे सोशल मीडिया पे। तो हम तो इसके स्टेक होल्डर नहीं हैं कि ये जो 16 लाख वोट हैं इनको आज़म महराज इन 16 लाख वोटों से इमरान खान को नहीं हरा सकता, और ना आज़म महराज में इतनी अहलियत है कि वो बिलावल और इनके मुकाबले में खड़ा हो के एक नई पार्टी खड़ी कर ले। तो 16 लाख, 16.5 लाख वोटों से हम यही कहते हैं कि भाई इनको आप प्रॉपर इनके हलका बंदी करें, सही। और एक वोट जो मजहबी शनाख्त पे है वो हर मिनॉरिटी जो है रिलीजियस मिनॉरिटी वो अपना नुमाइंदा जो मजहबी शनाख्त पे उसकी शनाख्त पे वहाँ जाए, उसको सिर्फ इमरान खान, बिलावल साहब, मौलाना साहब या दीगर जो हैं शरीफ बरादरान वो ना बिठाएं, वो उनकी अपनी अपनी कम्युनिटी के पास आएं। इसमें अब कुछ लोग कहते हैं जी कि ये तो गैर आइनी है, बिल्कुल भाई गैर आइनी क्या है, अब दोहरी आपको दोहरी नुमाइंदगी तो मिली हुई है ना, एक रिलीजियस आपकी आइडेंटिटी पे 38 बंदे बैठे हुए हैं आप जिस भी रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, और दूसरा आप अपने हलके में वोट डाल रहे हैं, तो दोहरी नुमाइंदगी जब पॉसिबल है तो उसको दोहरे वोट से अगर मशरूत कर दिया जाए तो इसमें कौन सी गैर आइनी बात हो गई? यानी आयन की 4th जो अमेंडमेंट की थी, भुट्टो साहब तो खासे जमहूरी आदमी थे ना, उन्होंने की थी कि भाई इनको इस तरह, अब उसमें इर्तका होता है, आयन इंसानों की सहूलत के लिए बनते हैं, आयन इंसानों की ज़रूरत के मुताबिक अमेंडमेंट क्या 26 हो चुकी हैं, तो एक 27वीं नहीं हो सकती कि इस दोहरी नुमाइंदगी को दोहरे वोट से मशरूत कर दें। कुछ लोग उसको कश्मीर से जोड़ते हैं, कुछ पूरी दुनिया में मिसाल नहीं है, तो भाई जिस चीज़ की मिसाल नहीं होती वो आपकी ज़रूरत के मुताबिक, शुरू में तो इंसान कपड़े भी नहीं पहनते थे, तो फिर ज़रूरत देखी, फिर उसमें फैशन मौसमों के हिसाब से लोगों ने फैशन अपना लिए, आइन भी दुनिया में अमेंडमेंट्स होती हैं, 26 तो इसमें भी हो चुकी हैं, 4th आपके लिए भी हुई थी, तो अब इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मसला है। इस पर हम कोशिश कर रहे हैं, और इसमें इमैनुअल ज़फ़र साहब जैसे प्रोफेसर साहब तो अलील हैं उनके साथ, और मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी अक्सरियत जो है
पहली बात यह है कि जो बहुत ही इंतहाई दुख की बात है कि हमारा सियासी कारकुन, हमारा समाजी कारकुन और मजहबी तो खैर नहीं, लेकिन क्योंकि मजहब के हमारे जो मजहबी कारकुन हैं इस वक्त वो समाजी और हमेशा से पाकिस्तानी मसीहियों की ये तारीख रही है कि उनके जो मसीही जो मजहबी अदारे हैं वो समाजी भलाई के कामों में भी पेश पेश और सियासत में भी पेश पेश। तो हमारे ये जो तीनों कारकुन हैं, चाहे वो कोई सेनेटर है, चाहे कोई MNA है या कोई MP है या कोई बिशप है या कोई जो भी कोई बड़ी NGO का मालिक है या कोई आम छोटा कारकुन है, तो ये जिन मौजूआत पे बात करते हैं उस पे अर्क्रेज़ी नहीं करते। अर्क्रेज़ी के बग़ैर बड़े मकासद हासिल नहीं हो सकते। आप जिस भी मौजू के लिए, जिस भी मकसद के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं उसके लिए खुदारा खुदारा हम नहीं कहते कि ये कोई हरफ आखर है, आज़म महराज ने कुछ 6-7 साल लगा के ये कर दिया तो ये हरफ आखर है, ये हरफ आखर नहीं है। लेकिन कम अज़ कम इन अदाद व शुमार को पढ़ें, सीखें, इस पर डिबेट करें बिला वजह नहीं। तो ये एक छोटा सा हमने आजकल सिलसिला शुरू किया हुआ है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आज़म महराज साहब, हमारे वक्त का प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। और नाज़रीन, जैसे हमने शुरू में बताया था कि हमारा मकसद इस प्रोग्राम के ज़रिए हम सुखन कराची स्टूडियो के ज़रिए माशरे में जो पाकिस्तानी मसीही हैं बल्कि पाकिस्तान की वो तमाम मजहबी अकलीतें जिनके सियासी समाजी मसाइल हैं उन पर मुख्तलिफ़ लोगों से गुफ्तगू करने का ये जो सिलसिला शुरू किया है इसमें हम इसी तरह के मौजूदात पर गुफ्तगू करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का ये प्रोग्राम जिसमें जनाब आज़म महराज ने गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों के सियासी अलमे का मुकदमा बड़े ही उमदा अंदाज से पेश किया है आपको पसंद आया होगा और आप इसे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे ताकि ये इंफॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुँचे और आवाम में लोगों में आगाही और शऊर का जो है वो और ज़्यादा ये काम है सिलसिला वो आगे बढ़ सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।